प्लीज ये बता दें काइंडली आगे आप करने के क्या वाले हैं, कुछ ना कुछ तो रिप्लाई दें, कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर पहुंचाएं ताकि हमें भी कोई हौसला हो सके कि हाँ। अस्सलाम गाइस, अगर आपने इस वीडियो पर टाइटल और थंबनेल को देखकर क्लिक किया है तो जी हाँ बिल्कुल सही क्लिक किया और बिल्कुल सही समझे। आज हम सिप्तान औला को करने वाले हैं जी बिल्कुल बेनकाब। हमारे कुछ सवाल आते हैं जी, क्या आपने ये ग्रुप इसलिए बनाया था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना पता चमकाएं, और क्या आपने ये ग्रुप इसलिए बनाया था कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रमोशन कर सकें, क्या आपने ये ग्रुप इसलिए बनाया था कि आप हमारे जैसे छोटे क्रिएटर के जज्बात से खेल सकें, क्या आपने ये ग्रुप इसलिए बनाया था कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी प्रमोशन कर सकें। सो ये चीज़ें, ये वो सवालात और ये वो सोचें हैं जो वो क्रिएटर सोच रहे हैं जिनको आपने अपने हाथों से बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया है। सो उनके भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट हैं। तो आज कुछ चीज़ें सिप्तान औला के खिलाफ आई हैं तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एंड एक और आपको चैलेंज करता जाऊँगी, आज से दो दिन बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम सिप्तान औला को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करने वाले हैं और मुकम्मल सबूतों के साथ आऊँगा। आज कुछ चीज़ें शामिल आई हैं वो आपको पहले दिखा देता हूँ जी। चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको एक ऐसा कमेंट दिखाने वाले हैं जो कि इस शख्स की मुकम्मल असलियत को वाजे कर देगा और ये बताएगा भी, ये कमेंट बोल के बताएगा कि ये शख्स वाकई दूसरे छोटे यूट्यूबर्स की प्रमोशन करना चाहता है या सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही पत्ता चमकाना चाहता है। सो ये है जी वो वीडियो जिस पर जी ये आया था कमेंट, एंड आपको ऊपर भी शोर ही होगी, लेकिन पहले आपको वो कमेंट पढ़ा देते हैं कि लिख रहे हैं जी, कोई नहीं, 10 दिन हो गए हैं, लोग चीख रहे हैं, कोई मदद नहीं हुई। ये 9 घंटे पहले कमेंट आया था, देन मैंने उनको रिप्लाई किया कि डोंट वरी, एंड आपको वो भी दिखा देता हूँ। देन मैंने उन्हें कहा कि डोंट वरी डियर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक गेम ख़त्म नहीं होती। उन्होंने आगे लिखा कि पंजाब का लड़का, मैंने आपकी वीडियो पर तंज नहीं किया, ना इसलिए कि आपको बुरा लगे, ठीक है, मैं भी उनको देखती हूँ, वीडियो भी लाइक करती हूँ, शेयर भी किया जैसा कि उन्होंने बोला, उस नंबर पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ग्रुप में भी ऐड हुए मगर ग्रुप में काम नहीं हो रहा और लिंक सिर्फ़ और सिर्फ अहमद की वीडियो के ही दिए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही लिखी उन्होंने। मैंने बहुत कमेंट किए कि नहीं नहीं करना ना करें, कम अज़ कम लोगों को पता तो हो कि लास्ट 10 तारीख दी थी मगर लंबी लाइन लगी हुई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जी हाँ, तो बिल्कुल 10 दिन हो चुके हैं और इस शख्स का बिल्कुल अता पता नहीं है। अपने चैनल पर तो वीडियोस बना रहे हैं और ये बिल्कुल मोहतरमा ने सही फरमाया कि जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें हम शामिल हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अहमद सिप्तान की ही वीडियोज़ आ रही हैं और हमारे छोटे जैसे यूट्यूबर के बारे में तो कोई सोचा नहीं जा रहा। ये बताया जाए कि आगे का लाइमल क्या है, तो गुजारिश ये कि प्लीज़ ये बता दें काइंडली आगे आप करने क्या वाले हैं, कुछ ना कुछ तो रिप्लाई दें, कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हमें भी कोई हौसला हो सके कि हाँ कुछ ना कुछ आगे होने वाला है और हमारी कुछ ना कुछ सुनने वाली आगे। लेकिन अभी तक तो कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा और इंशाल्लाह 2 दिन बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम मुकम्मल तौर पर इस शख्स को करेंगे जी बेनकाब। और आई होप कि उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो वाजे हो जाएंगी और मज़ीद इंशाल्लाह 2 दिन बाद करेंगे जी हम वो चीज़ें वाजे और आप बिल्कुल देखेंगे और वो चीज़ें आप एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मे भी आप एक्सेप्ट जरूर करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है जी, वीडियो लगी अच्छी तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली मरतबा और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक के जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह के बाद।